हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग बात करेंगे जेएमएन 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट के कट ऑफ के बारे में। और ये मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये कट ऑफ होता क्या है। तो कट ऑफ आप लोग का जेई एडवांस का रहता है। अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे तब आप लोग जेई एडवांस एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो इसलिए मैं आप लोग को कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप लोग उस कैटेगरी वाइज, अगर जो भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर कर दोगे तब आप लोग जेई एडवांस के लिए इजिबल हो जाओगे और जेई एडवांस 2023 का आप लोग एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तब आप लोग जेई एडवांस एग्जाम नहीं दे सकते हो और आप लोग को IIT कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये होता है कट ऑफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा। उसके बाद आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि ये मैंने डाटा कहां से लिया है। तो ये डाटा आप लोगों का प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये आप लोगों का 100% एक्यूरेट नहीं होगा, मे बी आप लोगों का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आप लोग इसको टारगेट लेकर स्टडी करोगे तो ऑफकोर्स आप लोग जेई एडवांस के लिए क्लियर कर लोगे, आपका जेई एडवांस के लिए आप लोग इजिबल हो जाओगे और जेई एडवांस आप लोग एग्जाम दे सकोगे। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपको 90+ percentile स्कोर करना पड़ेगा जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आप लोग को 85+ percentile आप लोग का रहेगा इस साल का कट ऑफ। उसके बाद अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आप लोग को 45+ percentile स्कोर करना पड़ेगा। ये मैंने आप लोग को 2 या 3 percentile ज्यादा ही बताया, क्योंकि अगर आप लोग इसको टारगेट लेकर चलोगे, अगर सपोज आप लोग का परसेंटाइल नीचे भी गिरा तब आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगा, या 2% बढ़ भी गया तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आप लोग को 2 या 3 percentile प्लस ही करके बोल रहा हूँ। तो इसको आप लोग टारगेट लेके चलिएगा और आप लोग को इसको जरूर कट ऑफ क्लियर करना है, तभी आप लोग जेई एडवांस एग्जाम दे सकते हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोगों का कुछ ही दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है और मेक श्योर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ही दिन में आप लोग का एडमिट कार्ड आउट होगा, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।